हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक एचपी लवक्राफ्ट की हॉरर मूवी लेकर आई हूँ, द ऑफरिंग। मूवी की शुरुआत पीटर नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बेटी सेलिना के लिए एक गुड बाय मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि मैं अब इस दुनिया में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ और इसीलिए मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे आखिरी दिनों में ऐसे हालत में देखो। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो अपने घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद होते हैं। दरअसल पीटर एक कल्ट का मेंबर होता है और यहाँ पे एक आईना रखा होता है जिसके सामने सभी लोग जाकर कुछ प्रेयर्स बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये आईना दरअसल दूसरी दुनिया का एक दरवाजा रहता है। अब यहाँ पे पीटर प्रार्थना कहता है, हम चीजें एक दुनिया से दूसरे दुनिया में भेजते और लेते हैं और हम ओल्ड और न्यू गॉड्स की इज्जत भी करते हैं। उसके ये कहते ही आईना चमकने लगता है और एक दरवाजा खुल जाता है जिसमें से एक काफी बड़ा क्रीचर बाहर निकलता है और पीटर अपने आप को उस क्रीचर को सौंप देता है और उधर ही वो मारा जाता है। दरअसल उस क्रीचर को दूसरे दुनिया का देवता कहा जाता है। अब कुछ समय के बाद हम पीटर की ही बेटी सेलिना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ थी और सेलिना अपने पिता की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और खुद को काफी अकेला महसूस करने लगती है, क्योंकि उसकी माँ भी उसके बचपन में ये दुनिया छोड़ के चली गई थी। पर रिचर्ड आकर उसे संभाल लेता है। अब दोनों को ये लग रहा था कि पीटर को स्टमक कैंसर था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ली है और इसीलिए सेलिना अपने घर पे, यानी जहाँ पे पीटर रहता था, वहाँ पे विजिट करने का फैसला करती है। इनके साथ इनके दो कपल दोस्त यानी अप्रैल और निक भी आते हैं। अब चारों भी कुछ समय के बाद पीटर के घर पहुँच जाते हैं और सेलिना घर के आसपास की चीजें देख ही रही थी, तभी बैकयार्ड में उसे कुछ खरगोश मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे हाउसकीपर एडा आती है, जो सेलिना से कहती है कि शायद उनकी बिल्ली ने यहाँ पे खरगोश को मारा होगा और वो चीजें साफ करने लगती है। अब सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद रिचर्ड वापस से एक मरे हुए खरगोश को गार्डन में देखता है और वो उसे अपने दोस्त निक को दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है इसे बिल्ली ने मारा है? तो निक कहता है कि नहीं, लगता है इसे किसी चाकू ने मारा है, जो सुनकर रिचर्ड थोड़ा परेशान होता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम अप्रैल को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ पे उसे कुछ क्रीचर्स की तस्वीरें रखी हुई मिलती है, जिसे देख के वो थोड़ी परेशान और घबरा जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एडा आती है और वो एडा से पूछती है कि ये किसकी तस्वीरें है। तो एडा कहती है कि हमारी दुनिया के अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, जो कि इस दुनिया से पैरेलल में चलती है, जहाँ पे नए और पुराने काफी सारे क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें हम देवता मानते हैं। हमने खुद को इन क्रीचर्स से अलग किया है और हमारी एक अलग दुनिया है और इसीलिए ये सारे क्रीचर हमारे दुनिया में आना चाहते हैं। अब यहाँ पे अप्रैल इन सारे बातों को समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। तो वही दूसरी जगह पे सेलिना फ्रेश हो रही थी कि तभी बाहर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। लेकिन बाहर आने के बाद वो देखती तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन अपने आप आसपास की चीजें हिलने लगती है और कुछ चीजें गिर जाती है, जिसमें उसे अपने पिता की एक पुरानी किताब मिलती है और इसपे वही आईना बना हुआ था जो हमने स्टार्टिंग में देखा। वो किताब को साइड में ही रखती है, जिसके बाद ये चारों भी पूल में जाते हैं और काफी मजे करने लगते हैं। और कुछ ही देर के बाद अप्रैल सोने के लिए चली जाती है और रिचर्ड भी वहीं पे सो रहा था और यही मौका देख के निक सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये चीज सेलिना को अच्छी नहीं लगती और इसी में रिचर्ड की नींद खुल जाती है। इसी बीच में हम इनके पीछे एक परछाई को भी देखते हैं, लेकिन ये लोग उसे देख नहीं पाते। अब अगले दिन मौका देखकर सेलिना अप्रैल के पास जाती है और उसे निक ने की हुई बदतमीजी बता देती है। ये सुनकर अप्रैल काफी गुस्सा हो जाती है और निक के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वहीं सेलिना को भी ये घर बेचना था, लेकिन उसे लग रहा था घर में गड़बड़ है और वो दूसरे फैमिली को फंसाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी रिचर्ड कहता है कि इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, अगर हमने ये घर रख भी लिया तो हम इतने बड़े घर का ध्यान नहीं रख पाएंगे, जिसके बाद ये दोनों भी सो जाते हैं। पर रात में सेलिना को एक सपना आता है, जहाँ पे वो गार्डन में कुछ लोगों के साथ आईने के सामने खड़ी है और तभी आईने के अंदर से क्रीचर हाथ बाहर निकालता है और सेलिना को आईने की दूसरी तरफ खींच लेता है और तभी डरते हुए सेलिना उठ जाती है और तभी वो अपने कंबल को हवा में उड़ते हुए देखती है और वहां पर एक ओल्ड क्रीचर भी खड़ा उसे दिखाई देता है, जिसे देखकर सेलिना जोरों से चीखने लगती है। लेकिन तभी रिचर्ड की आंख खुल जाती है और वो समझती है कि ये उसका एक वहम था। सेलिना हो रही सारी चीजों से काफी परेशान थी
और वो अपने पिता की उसी किताब को लेकर पढ़ने लगती है जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे और साथ में ही खरगोश को सैक्रिफाइस करने के बारे में भी लिखा हुआ था। अब सेलेना किताब में लिखी हुई चीजों को ट्रांसलेट करती है जो कि एक प्रेयर होती है जो पीटर ने आईने के सामने कही थी कि हम दूसरे दुनिया की चीजें लेते और देते हैं। और उसे जैनुस नाम के क्रीचर के बारे में भी लिखा हुआ मिलता है जो कि वही क्रीचर था जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। लेकिन तभी सेलेना की नजर घर के बाहर गार्डन में पड़ती है जहाँ पे कुछ लोग निक को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। अब क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो भी गार्डन में चली जाती है लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी एडा आती है। सेलेना एडा से कहती है कि मैंने अभी अभी निक को और कुछ लोगों को देखा था, कहाँ पे है वो? लेकिन एडा कहती है कि निक तो कब का इस घर से चला गया है और तुमने जिन लोगों को देखा वो शायद तुम्हारा वहम हो सकता है। अब यही मौका देखकर सेलेना एडा से पूछती है कि मेरे पिता मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे। तभी एडा बताती है तुम्हारे पिता की हालत काफी खराब थी और वो नहीं चाहते थे कि तुम उन्हें ऐसी हालत में देखो। जिसके बाद सेलेना उसे जैनुस कौन है ये पूछती है और तभी एडा कहती है कि तुम्हारे पिता और मैं ये मानते थे कि हमारे दुनिया के अलावा एक बहुत बड़ी दूसरी दुनिया भी है जहाँ पे अलग अलग क्रीचर रहते हैं जो कि और जैनुस उन्हीं में से काफी बड़ा क्रीचर है जो हमारे दुख दर्द को खुशियों में बदल देता है। सेलेना को लगता है कि एडा पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही है रात को, इसीलिए वो सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन अप्रैल को पता चलता है कि निक ऑलरेडी रात को ही चला गया है, इसीलिए वो भी कैब बुक करके यहाँ से जाने का फैसला करती है और उसकी कैब भी आती है। लेकिन तभी कल्ट के लोग वहाँ पे कैब ड्राइवर को रोक देते हैं और उससे और अप्रैल को कहीं लेके जाते हैं बंदी बनाकर। वही दूसरी जगह रिचर्ड को घर के पेपर्स मिलते हैं जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि पीटर यानी सेलेना के पिता ने ये घर एडा के नाम पे कर दिया था। ये बात वो सेलेना को बताता है और कहता है कि शायद एडा ने ही ये घर खरीद लिया है। लेकिन तभी हैरान सेलेना कहती है कि एडा इतनी भी अमीर नहीं है कि वो घर खरीद सके। तो रिचर्ड कहता है कि शायद तुम्हारे पिता और एडा के बीच में रिलेशन हुआ होगा। लेकिन सेलेना कहती है कि भाई एडा शादीशुदा है और मेरे पिता मेरे माँ से काफी प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो ऐसा नहीं कर सकते। सेलेना यहाँ पे रह के सारे वहम और सपनों से परेशान थी। वो रिचर्ड को बताती है कि मैंने कल रात को कुछ लोगों को निक को कहीं पे लेके जाते हुए देखा है, मुझे लगता है निक को किसी ने किडनैप किया है। लेकिन रिचर्ड फिर निक की सोशल मीडिया की स्टोरी दिखाकर उसे कहता है कि निक तो अपने घर पे है, शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही वहम हो रहे हैं और तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर सेलेना भड़क जाती है, उसे लगता है कि रिचर्ड उसे पागल समझ रहा है और इसीलिए वो बाहर गार्डन में चली जाती है जहाँ पे सेलेना को वही आईना रखा हुआ मिलता है और आसपास खून के छींटे भी थे। और तभी सेलेना को उस आईने में अपने पिता यानी पीटर दिखाई देते हैं। सेलेना अपने पिता से पूछती है कि आप जिंदा हो? तो उसके पिता उसे कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा लेकिन उससे पहले तुम मेरे पीछे पीछे ये प्रेयर कहो। जिसे बोलने के बाद सेलेना उसके पिता के पास यानी उस दूसरे दुनिया में जा पहुंचती है जहाँ पे सेलेना अपनी माँ की आवाज भी सुन पाती है। वो अपने पिता से पूछती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आई? जिस पर पीटर कहता है कि इन चीजों को समझा नहीं जा सकता बल्कि इन्हें हमें अपनाना होगा, दरअसल ये दूसरी दुनिया है। पीटर आगे कहता है मैं जब बीमार था तब मुझे जैनुस नाम के इस क्रीचर के बारे में पता चला जो इस दुनिया का भगवान है, जिसने मुझे एक मौका दिया कि मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ और मैंने अपना शरीर उसे देकर मैं यहाँ पे अपने पत्नी के साथ खुशी में रह रहा हूँ। फिर सेलेना कहती है और इसीलिए आपने अपना घर भी उसे बेच दिया? तो पीटर उसे कहता है ये घर जैनुस यानी उस क्रीचर को चाहिए था ताकि वो अपने मर्जी से दोनों दुनियाओं में कभी भी आया जा सकता है। यानी यहाँ पे पता चलता है जो परछाई हमने देखी वो जैनुस की ही थी और इसी ने उन सारे खरगोशों को मारा था एक रिचुअल के चलते। आगे पीटर कहता है कि तुम्हें मेरे मौत के बारे में जब पता चला तभी तुम यहाँ पे आई और मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, मैं तुम्हें यहाँ पे ही बुलाना चाहता था ताकि तुम इस दुनिया का हिस्सा बन सको। सेलेना कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, वो मेरे लिए ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। और तभी हमें पता चलता है कि ये दरअसल पीटर होता नहीं है, ये जैनुस वही क्रीचर था जिसने पीटर का रूप लिया था। दरअसल पीटर जब खुद को उस क्रीचर को सैक्रिफाइस करने के लिए जाता है तो उस क्रीचर ने पीटर का सैक्रिफाइस मना कर दिया था क्योंकि वो बीमार था, उसे कैंसर था। अब ये जानने के बाद कल्ट के लोगों ने ही पीटर को मार दिया था और घर को भी एडा ने अपने हवाले कर दिया था। अब यहाँ पे क्रीचर को एक हेल्दी शरीर चाहिए था और इसीलिए उसे अब सेलेना और उसके दोस्त मिल गए थे ताकि उनके शरीर को लेकर जैनुस अपने बाकी के जो बच्चे हैं यानी
बाकी के जो क्रीचर्स है उन्हें वो आजाद कर सके जो कि दूसरे दुनिया में कैद थे। सेलेना को सच्चाई पता चलने के बाद वो वहां से भागने लगती है और किसी तरह दरवाजे के पास पहुंच कर उसे खोलती है जहां पे दूसरी दुनिया पर। तभी पीटर आकर सेलेना को मार देता है और इधर जानूस अब सेलेना का रूप ले लेता है। इसके बाद सेलेना के रूप में वो क्रीचर इस दुनिया से निकल कर हमारे दुनिया में आता है जहाँ पे रिचर्ड को वो कैद करके अप्रैल और कैब ड्राइवर के साथ बंद कर देता है। यहाँ पे सेलेना के रूप में जानूस उन तीनों से भी कहता है कि तुम तीनों का भी मैं बलि देकर अपने बच्चों को आजाद करूंगा। इसके बाद सेलेना उस कैब ड्राइवर को मारकर उसका ब्लड निकालती है। इसी बीच में वहाँ पे एडा आती है। एडा भी इसी ग्रुप की मेंबर थी और वो रिचर्ड और अप्रैल को भी ऑफरिंग यानी सैक्रिफाइस के लिए तैयार करती है। इसके बाद बाहर आकर वो बाकी मेंबर के साथ रिचुअल शुरू करती है और तभी एक एक करके वहाँ पे वो बड़ा क्रीचर आ जाता है जिसे फिर सभी लोग देखने लगते हैं। दरअसल ये वही क्रीचर था जिसने जानूस के कुछ बच्चों को कैद करके रखा हुआ था और इसी को ऑफरिंग देने के बाद जानूस इस क्रीचर के बाकी बच्चे आजाद होने वाले थे। अब उस बड़े से क्रीचर को सब लोग देखने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर रिचर्ड और अप्रैल उनसे बचकर जंगल के और भाग जाते हैं। अब यहाँ पे उस बड़े से क्रीचर को शिकार नहीं मिलता इसीलिए वो गुस्से में एडा को ही खा जाता है। अब ये देख कर कल्ट के मेंबर बाकी दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं पर वो दोनों उनसे बच निकलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो आईना रखा हुआ देख लेते हैं जिसके अंदर से एक दूसरा क्रीचर अप्रैल को अपने अंदर खींच लेता है और इसे रिचर्ड बचा नहीं पाता। तभी वहाँ पे रिचर्ड को निक की लाश भी दिखाई देती है। इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने निक को मार दिया था और सेलेना ने सच में उसे देखा था। और रात में जो निक के इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी थी वो दरअसल क्रीचर ने ही अपनी शक्तियों से मैनिपुलेट करके उन्हें दिखाई थी। अब यहाँ पे रिचर्ड को कल्ट के मेंबर घेर लेते हैं और उसे सेलेना के सामने लाया जाता है जो कि सेलेना के बेस में जानूस होता है। सेलेना अब सबसे कहती है मैं अपनी दुनिया और इस धरती को एक करने वाली हूँ जिसके बाद सारे क्रीचर इस दुनिया में आने लगेंगे। और ये कहकर आईने के अंदर से एक क्रीचर बाहर आता है पर तभी रिचर्ड कर्ल्ड मेंबर से खुद को छुड़ा लेता है और खुद को चाकू से मार देता है जिसके कारण जानूस को मिलने वाली जो ऑफरिंग होती है वो भी चली जाती है। और अब उसके पास कोई भी ऑफरिंग नहीं थी किसी को देने के लिए और इसीलिए उसका दोनों दुनिया को एक साथ करने का जो सपना होता है वो उधर ही खत्म हो जाता है और उसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो ये मूवी दरअसल एचपी लवक्राफ्ट इनके नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड थी कि कोई दूसरा डायमेंशन है, एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे काफी सारे क्रीचर्स रहते हैं और अर्थ के ही कुछ लोग होते हैं जो दोनों दुनियाओं को मिलाना चाहते थे। लेकिन अंत में रिचर्ड खुद को मार कर उन क्रीचर को यहाँ लाने से रोक लेता है और मूवी खत्म होती है। बाय बाय।